गुड मॉर्निंग मैडम, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट अनब्लॉक। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट एंड ब्लॉग। फाइनली आज 2 दिन के बाद मार्केट ओपन हुआ है, मार्केट ग्रीन है। आज सोमवार का दिन है एंड बुध पूर्णिमा भी है। हैप्पी बुध पूर्णिमा टू ऑल। तो आज से पहले हम लोग निफ्टी के बारे में कुछ डिस्कस कर ले, उसके बाद हम लोग स्टॉक्स पे चलेंगे। हाँ, लेकिन फ्राइडे के दिन मैंने कुछ स्टॉक्स खरीदा था, वो फ्राइडे के दिन ही नेगेटिव चला गया था। और मैं सोच रहा हूँ कि आज हॉलीडे है, कुछ स्टूडेंट्स आने वाले थे मेरे साथ मार्केट एनालिसिस में बैठने के लिए, लेकिन उन्हें मैंने बोल दिया कि यार छुट्टी है, सो नहीं आए। फिर आपने बताया कि मार्केट खुला है सर, पॉजिटिव ओपन है, तो चलिए कोई बात नहीं। तो इन्वेस्टमेंट ना ऐसा ही होना चाहिए कि आपको एक टेंशन ना रहे कि अरे मार्केट खुला नहीं खुला, 9:15 हो गया, मैं अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया हूँ, मुझे स्क्रीन के सामने बैठना। इन्वेस्टमेंट आपका ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल चिल टाइप। मार्केट खुला है तो ठीक है, नहीं खुला है तो भी ठीक है। नहीं मैडम, मेरा एक अलग सा मानना है, आप अगर ट्रेड भी करते हो ना, तो आपका बिहेवियर कुछ इस तरह से होना चाहिए कि आप ट्रेडिंग ट्रेड डाले हो, फिर भी आप खाने के लिए जा पा रहे हो, वॉशरूम जाने जा पा रहे हो। ये पोजीशन साइजिंग से बनता है, जो उसके बारे में आप बार बार बताते हो। तो जब आपके हाथ में पोजिशन है अच्छा, जिसको आप हैंडल कर सकते हो मार्केट की गिरावट में भी और उठता है तब भी, तो आपका डेफिनेटली पैसा बनता है, क्योंकि मार्केट के हर मोमेंटम के लिए आप रेडी हो। तो मार्केट इज ए प्रोबेबिलिटी गेम, हम प्रेडिक्ट करते हैं, लेकिन प्रेडिक्शन सही जाए ऐसा नहीं होता। हम ही जी नहीं, कितने भी अच्छे प्रोफेशनल क्यों ना हो, तो मार्केट हर दिशा पर जाने पर भी आप रिलैक्स हो, मतलब आपको फर्क नहीं पड़ता मार्केट किस दिशा में जाए, और डेफिनेटली आप प्रॉफिट में निकलो। ठीक है, तो इन्वेस्टर जी नहीं, ट्रेडर भी पैसा इस तरह का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन लालच जो होता है वो थोड़ा लोगों को फंसा बुरी देता बला होता है। राइट, है जी। निफ्टी को अगर देखें तो ऑलरेडी अगर हम बात करें, 5 मई के बाद बहुत बड़ा गैप 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 मैंने गैप डाउन में खुला था, और फिर से 11 मई के बाद भी गैप डाउन में खुला था। लेकिन हमेशा गैप डाउन के बाद क्या होता है, एक दिन आपको पॉजिटिव मार्केट देखने के लिए मिलता है, तो 2 दिन के बाद आज पॉजिटिव मार्केट देखने के लिए मिला है। तो ये आप मत सोचिए कि मार्केट यहाँ से रिकवर हो जाएगा, रिवर्स जाएगा तो अच्छा है, लेकिन इसको आप इस तरह से सोच सकते हो, अगर यहाँ से रिवर्स जाता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे किसी ने निफ्टी शॉर्ट किया था 16,700 में, 800 में, उसको टारगेट अचीव हो गया 1100, 15,700, 800 में 1000 पॉइंट का उसने प्रॉफिट लिया, तो उसने बाय बैक किया, तो यहाँ पर रिकवर हुआ है एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर, ऐसा भी सोच सकते हैं। क्या बोलते हैं मैडम? सर आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है कि मतलब कि आज का जो पॉजिटिव हमें देखने को मिला है, हम लोग इसको टू द ग्रांटेड नहीं ले सकते, क्योंकि पिछले दिन भी यही हुआ था। मार्केट ऊपर गैप अप ओपनिंग हुआ था, लेकिन जब मार्केट क्लोज हुआ तो वो नेगेटिव कुछ पॉइंट्स में क्लोज हुआ। तो अभी अभी भी हमें मतलब हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए जब तक हमें प्रॉपर सिग्नल नहीं मिल जाता है कि हाँ अब रिवर्स हो रहा है ट्रेंड। तब तक हम अपना कोई बड़ा पोजीशन ना बनाए तो वो ज्यादा अच्छा है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक ब्लू रे डाला हुआ है, ये बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, हो सकता है यहाँ पर कुछ दिन रुके, लेकिन यहाँ से तोड़ेगा तो 15,000 आपको देखने के लिए मिल सकता है मैडम। तो अभी भी हम सेलिंग साइड में है, लेकिन थोड़ा अगर मार्केट ऊपर जाता है तो पीछे शॉर्ट करेंगे, और हम स्टॉक्स खरीद रहे हैं मैडम, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स खरीद रहे हैं, मोनोपोली वाले बड़े ना हो, लेकिन B2B बिजनेस खरीद रहे हैं, जहाँ पे बहुत अच्छा पैसा बन सकता जी सर, है। ठीक है, हाँ बैंक में कितना देख लेते हैं। बैंक निफ्टी तो बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, बैंक निफ्टी में जो लोग ट्रेड करते थे उनको वॉलेटिलिटी बहुत पसंद था, तो अभी और पसंद आता होगा क्योंकि वॉलेटिलिटी और भी बढ़ गया है। अभी देखा जाए इसका, देख सकते हैं मेजर, अगर ये जो सपोर्ट्स हैं, अगर इस सपोर्ट को सर तोड़ता है, आप जो सपोर्ट बना रहे हैं, तो भारी मतलब कि बहुत अच्छे से निफ्टी बैंक गिरने वाला है आई गेस। 200 मूविंग एवरेज जो 30,000 के पास है, तो 4,000 का पॉइंट अचीव भी जा सकता है, जी, मुझे भी लग रहा है और 3,000 तक, 30,000 तक पहुंच जाएगा।
अगर हाँ मार्केट गिरने पर नीचे के साइड में लगता है, उसी तरह मार्केट ऊपर जाते हैं 60,000 70,000 का भी बैंक निफ्टी दिखता है, ऐसा ही जी होता है मार्केट में। तो सर, चलिए कोई बात नहीं, मार्केट जिस तरह से जाए हमको पार्टिसिपेट करना है। जनरली अगर देखा जाए बैंक निफ्टी में प्राइवेट बैंक है और गवर्नमेंट बैंक है। प्राइवेट बैंक में बहुत अच्छा तेजी देखने के लिए मिला था, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, और गवर्नमेंट बैंक में ऑलरेडी बहुत ही गिरावट है, तो वहां पर उतना फॉल देखने के लिए नहीं मिल रहा है। और बैंक निफ्टी का गिरने का सबसे पीछे बड़े वजह है आपका HDFC बैंक और ICICI। तो जी, सर, अगर PSU HDFC बैंक बैंक, हाँ में, जी HDFC बैंक जी में बहुत ही ज्यादा गिरावट हो गई है, मतलब कि 50% से ज्यादा स्टॉक करेक्ट हो गया। बस कुछ न्यूज होता है ना, न्यूज ड्रिवन जो स्टॉक्स में हलचल आती है, जिसके कारण से बैंक HDFC में हमें इतना बड़ा गिरावट देखने को मिला। एग्जैक्टली मैडम। तो यहाँ से हम अगर PSU में इन्वेस्ट है, PSU बैंक में, तो मैं कहूंगा अच्छा ही इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। अगर नहीं भी है और PSU बैंक में कोई पर्टिकुलर स्टॉक आपको नहीं मिल रहा है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप ऐसा कर सकते हो PSU बैंकिंग फंड भी कुछ सेक्टर फंड म्यूचुअल फंड के थ्रू है। जैसे कि 2016-17 में फार्मा बहुत अंडर वैल्यू था, तो मैं फार्मा में एक इंडिविजुअल स्टॉक्स मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं रिलायंस फार्मा फंड लिया था और 3 गुना पैसा बना जितना भी इन्वेस्टमेंट था इस कोरोना के प्रभाव में चलते चलते। तो ये एक बिजनेस साइकिल है, तो बैंक का भी एक फाइनेंशियल साइकिल होता है, तो उसमें भी चेंजेस आएंगे, तो आपको उसका भी लाभ उठा पाएंगे। लेकिन पर्टिकुलर मैं कोई शेयर नहीं बता सकता PSU में, क्योंकि सारे बर्बाद होके पड़े हुए हैं, हो सकता है उनमें से कोई ऊपर ऊपर बढ़ के आए। तो बैंकिंग PSU बैंकिंग फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसका ETF भी है, उसके ज्यादा जानकारी के लिए ऊपर नंबर है, मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। ठीक है, जी अभी सर, एक और एक मैडम, आप मैंने आपने एक मैसेज किया था मुझे सवेरे कि जुबिलेंट फूड का कुछ प्रॉब्लम है या कुछ हो रहा है, तो जुबिलेंट फूड में बहुत सारे लोगों का पोजिशन है, क्योंकि वो जी डोमिनोज एक बहुत बड़ा चेन है, उसमें उसने उसमें वो है, तो लोगों को ये जानकारी पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, थोड़ा क्लियरली बताएंगे। सर, कुछ ज़्यादा बड़ा न्यूज़ तो नहीं है, एक्चुअली न्यूज़ बहुत छोटा है, लेकिन इसका इफेक्ट काफ़ी बड़ा हो सकता है मार्केट में। तो जुबिलेंट फूड के जो प्रमोटर्स हैं, उन्होंने अपना 4,75,000 शेयर्स, 4,75,000 शेयर्स उन्होंने प्लेज किया है। ओ तो माय गॉड, जी, जब कोई प्रमोटर प्लेज करता है अपने शेयर्स को, तो ये हमारे लिए एक सिग्नल है कि भाई, अगर आपके पास है ये स्टॉक तो आप संभल जाओ। प्रमोटर्स प्लेज कर रहे हैं, हो सकता है उनके पास डेट है, या वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है कंपनी के परफॉर्मेंस से, वो निकलना चाहते हैं, या उनको पैसे की कमी है। तो ये चीज आप अपने माइंडसेट को करके रखिए कि जुबिलेंट फूड में प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक्स को प्लेज किया है। तो अगर आपको कभी गैप डाउन ओपनिंग या कुछ दिखता है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो फिर आप वहां से निकल जाए, अपने पोजीशन को थोड़ा हल्का कर ले, तो आपके लिए एक ये सेफ साइड का काम करेगा। एग्जैक्टली बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है। और मार्केट की गिरावट में, अगर मार्केट की गिरावट में इकोनॉमी के स्लो डाउन में ज्यादातर ऐसे कंपनियों का न्यूज आता है कि कोई ना कोई कंपनी प्रॉब्लम में चला जाता है, समहाउ अच्छा मैनेजमेंट है, अगर सस्ते में मिलेगा, खराब पोजिशन में मिलेगा तो सस्ता ही मिलेगा। तो अगर इन्वेस्टर है तो आपके लिए ये भी एक अपॉर्चुनिटी का विषय हो सकता है, आप नीचे जाके खरीद सकते हो। लेकिन आप अगर ट्रेडर हैं और कुछ पोजिशन ट्रेडिंग करने के लिए खरीदा हुआ है, तो सर आपका स्टॉप लॉस स्ट्रांग होना चाहिए, वही मैडम का मैसेज जी सर, अगर आप देखें ना, है। तो स्टॉक ने अपना हाई बनाया था करीब 915 रुपए का, जी हाँ जी हाँ, मैं देख जी पा अक्टूबर, रहा हूँ यहाँ पे अक्टूबर 18 जी, और अक्टूबर वो 18 में बनाया बनाया है था, और 400 वहां से बहुत का जोर से गया था। जी, और उस एग्जैक्टली समय और जो अभी अगर कंपनी वीकली स्टॉक में, हाँ जी सर, यू अगर कंटिन्यू। वीकली में चार्ट देखूँ, वीकली चार्ट देखूं तो ऑलरेडी 30 मूविंग एवरेज को नीचे के साइड में क्रॉस कर चुका है और 20 मूविंग एवरेज में आके सपोर्ट ले रहा है। हो सकता है फिर से अगर 30 मूविंग एवरेज आके इसको टच करता है, नीचे के साइड में टूट सके। तो जनरली अगर ट्रेडिंग में है तो 430 का एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं, और अगर इन्वेस्टर है तो अपॉर्चुनिटी है भाई, 200 रुपये में मिलेगा तो और ऐड कर। ठीक है, जी सर, क्योंकि स्टॉक ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा करेक्ट हो चुका है, तो
सर इन सब के कारण ना हम लोग कहते हैं कि कभी भी जो ओवर वैल्यूड स्टॉक है उनमें आप इन्वेस्ट ना करें। सर देखिए अभी 50% स्टॉक आपका करेक्ट हुआ है, जिन्होंने हाई पे खरीदा था उनको अभी 100% चाहिए उतना पैसा उनको गेन करने में। ऐसे बहुत सारे स्टॉक में रिसेंट हुआ है, आप TV18 ब्रॉडकास्ट का बात कर लीजिए, उसमें भी जो पिछले कुछ सेशंस में जो फॉल आया था, मतलब कि मैं पढ़ रही थी कि 4 से 5 सेशन में 50% से ज्यादा उसमें फॉल आ चुका है, अगर आप TV18 का सर चार्ट लगा पाए यहाँ पे तो जरूर जरूर उसमें भी काफी ज्यादा, मतलब कि लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो मर्जर हुआ है वीडियोकॉन एंड रिलायंस वगैरह के साथ, तो शायद उसमें कुछ अच्छा न्यूज आए, लेकिन नहीं, ये बहुत ही गंदा तरीके से ये न्यूज मार्केट में फैला और इसका हालत आप देख सकते हैं कि वो 80 रुपए से 40 रुपए पे आ गया। 7 हफ्तों से लगातार ये स्टॉक गिरते जा रहा है। जितने भी हमने सपोर्ट के रेखाएं खींचे हैं उन सबको तोड़ते हुए नीचे आ रहा है। 200 मूविंग एवरेज तकरीबन 34 रुपए में है, हमने 33 रुपए का स्टॉप लॉस रखा हुआ है। शायद इसका बाय कॉल हमने दिया था या फिर इन्वेस्टमेंट आइडिया याद नहीं हमें, लेकिन फिर भी ये जो शार्प फॉल आप देखने के लिए मिल रहा है ना, बहुत तेजी की है। जी सर, तो टीवी, ये टीवी टुडे है राइट? टीवी शायद सर 18 ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट है। हाँ ओके। चलिए इस मैं तो मीडिया शेयर्स में सिर्फ कुछ निच में शेयर्स में इन्वेस्ट किया हूँ, मैं न्यूज चैनल्स पे इन्वेस्ट नहीं करता। मैंने सिर्फ NDTV में खरीदारी की थी 70-80 के दौर पे, और वो 120-140 के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक करके सारा निकल लिया। अभी तकरीबन 250 रुपये का शेयर है। न्यूज चैनल का प्रॉब्लम क्या है, उनको जो ये मुझे मेरे स्टूडेंट ने ही बताया, क्योंकि वो जर्नलिस्ट है, कि उनको क्या होता है, उनका प्रॉफिट जो आता है एडवर्टाइजमेंट में आता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, लोग पैसा दे के न्यूज छपवा दे रहे हैं, तो इससे इसके बदले में क्या हो रहा है कि एडवर्टाइजमेंट में जो इनकम जो होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। न्यूज के थ्रू मतलब एडवर्टाइजमेंट हो जा रहा है और वो पैसा कंपनी में नहीं आता, तो प्रॉफिट जी बनता है लेकिन प्रॉफिट बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट नहीं करता। मैं मतलब ऐसा नहीं कि मैं सारे चैनल्स को बुरा कह रहा हूँ या कुछ नहीं, मैं आज बिजनेस एनालिसिस, मैं कुछ चीजें एनालिसिस किया हूँ जिसके वजह से मुझे न्यूज चैनल थोड़ा उतना रिसर्च करने के लिए उतना सारा अच्छा डेटा नहीं मिला, और सर तो इसलिए एक्चुअली ऐसा हुआ है मैं। ना कि अभी मार्केट में इतने ज्यादा सोशल मीडिया आ गए हैं ना कि लोग अपना फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट कर देते हैं, इंस्टाग्राम पे एडवर्टीजमेंट कर देते हैं, अब तो जिनके अच्छे सब्सक्राइबर हो जाते हैं वो यूट्यूब तक पे एडवर्टाइजमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जिस कारण से ना इनका जो आपने जैसा बताया कि इनका जो प्रॉफिट आता है वो इन्वेस्टमेंट सॉरी एडवर्टाइजमेंट से आता है, तो ये उनका घटते जा नहीं, रहा है। और एक यहाँ पर भी एक यहाँ पे भी आपने मैडम एक सही पॉइंट पकड़ा है, लेकिन यहाँ पर भी एक चीज जाननी चाहिए, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स में पेट्रोल की गाड़ी के अलावा अभी CNG और EV हिट करने वाले, उसका एक बहुत ही चहल पहल मचा हुआ है। उसी तरह मीडिया इंडस्ट्री में भी एक बहुत बड़ा चहल पहल मचा हुआ है। मीडिया मीडिया इंडस्ट्री में सारे OTT चैनल्स पे आना चाहते हैं, OTT प्लेटफॉर्म जी में, और आने के लिए उन्होंने ऑलरेडी अपना ऐप डाल चुके हैं, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर भी बना चुके हैं, तो ये उनके लिए नया है। बहुत पुरानी कंपनी है, उनके पास पैसा पड़ा हुआ है और वो बिजनेस साइकिल को समझते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी फेसबुक यूट्यूब ये सब चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये जो पुराने हाथी हैं अपने जगह पे आ जाएंगे फिर से। लेकिन कोई आ पाएगा, कोई नहीं आ पाएगा, कोई डूब जाएगा बीच रास्ते में, तो देख के आपको इन्वेस्टमेंट करना। जी सर, चलिए आप डायरेक्ट सर टाइम ज्यादा ना लेते हुए सीधे हम लोग आज के अपने स्टॉक्स पे चलते हैं। जी, जी तो मैंने एक स्टॉक स्टॉक देखा है, बंसाली इंजीनियरिंग BEPL BEPL है क्या? जी ये स्टॉक मुझे फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग लगा, इसके ROE ROCE बहुत ही हाई है। चार्ट देखे तो उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, वीकली चार्ट अगर देखे तो पूरा एक अम्ब्रेला बन गया है यहाँ पे, और मेजर सपोर्ट इसका 103 पे है। तो अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 95 का स्टॉप लॉस रख के आप उसको बाय कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। टारगेट हम बाद में देंगे, आप अगर प्रॉफिट करते हैं बढ़ता है तो हमको आप मैसेज कीजिए, हम उसका टारगेट बताएंगे।
अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए आप कुछ पैसे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में एक्सपर्ट का मानना है कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस में बहुत बड़ा बूम आने वाला है। लोगों ने बहुत अच्छा पैसा इस दौरान सेव किया है और वो अच्छे से एसेट्स में एलोकेट करना चाहते हैं। तो जनरली रियल एस्टेट में ऑलरेडी लोगों ने पैसा डाल चुके हैं, बहुत सारे लैंड खरीद चुके हैं, अभी कंस्ट्रक्शन की बारी है। सिटी और बड़ा होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपेक्स आने वाला, तो इसलिए ये स्टॉक मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। इतने खराब इकोनॉमी में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। इसका इसका बैलेंस शीट, कैश फ्लो और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक कर चुका हूँ ऑलरेडी। ये शेयर तकरीबन 1800 करोड़ के पास है उसका मार्केट कैप। मेरे हिसाब से ये कंपनी का अभी वैल्यूएशन होना चाहिए 5000 करोड़, तो आशा करता हूँ यहाँ से 2.5 गुना तो ये शेयर का प्राइस होना चाहिए। अगर नीचे भी जाता है तो अगर इन्वेस्टर हो तो एवरी 25-30% करेक्शन में आप और ऐड कर सकते हो। आपका क्या मानना है मैडम इस शेयर के बारे में? सर देखिए, जैसा कि आपने बताया सर, मैंने भी इसका फंडामेंटल्स चेक किया है। फंडामेंटली कंपनी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये चीज़ हमें अभी चार्ट पे देखने को नहीं मिल रहा है। और खास करके जब कोरोना आया था तो उस समय कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है इन्वेस्टर्स को। मतलब कि देखा जाए तो 25 रुपये से वो 200 रुपये तक चला गया था, तो काफ़ी अच्छा कंपनी ने रिटर्न दिया है। तो एक बोलते ना कि हर सुबह के बाद एक संध्या एक शाम आती है, तो शाम अभी आती है, राइट। थोड़ा करेक्शन फेज चल रहा है। एक बार जब स्टॉक को लगेगा कि हाँ वो करेक्ट हो चुका है, तो फिर जो इस स्टॉक में रैली आएगी उस समय ये किसी के हाथ नहीं आएगा सब। जी, तो यहाँ पे मैडम का ये कहना है कि यहाँ पे प्राइस और भी गिर सकता है, उसके लिए सतर्क रहिए। तो ये तो साफ दिख रहा है मार्केट में, जो नीचे के साइड में सपोर्ट है वो बहुत नीचे है, लेकिन अराउंड 200 मूविंग एवरेज के पास शेयर है। तो जनरली म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स भी ऐसा ही करते हैं। फंड मैनेजर जब भी 200 मूविंग एवरेज या 100 मूविंग एवरेज से शेयर आके रुकता है, वो और कुछ बाय बैक करता है। तो आपको तो हमेशा बॉटम में खरीदने के लिए मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए अच्छे शेयर में हर जगह हर करेक्शन में आप उसको ऐड करेंगे तो आपका अच्छा पैसा भी इकट्ठा हो जाएगा और प्रॉफिट में भी शानदार ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। जी सर, सही सही, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये था हमारा आज का वैल्यू पिक, जिसे आप ऐड कर सकते हो आपके पोर्टफोलियो में। नीचे जाएगा तो और खरीद सकते हो। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमको मैसेज कर सकते हो। क्लासेस शुरू हो चुके हैं, बहुत सारे एडमिशन आ रहे हैं, आप भी कोई भी बैच सिलेक्ट करके एडमिशन कर सकते हैं। खुद का पोर्टफोलियो बना रहे हैं, अच्छे स्टॉक्स चाहिए तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमको सजेस्ट कर सकते हैं, जो आपको एजुकेशन की तरह हेल्प हो, आगे बढ़ सकते हैं वेल्थ और प्रॉफिट बनाने में। जी सर, मैं आशा अपनी करते हैं ये वीडियो। हाँ जी, व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि अभी जो हमारा करेंटली बैचेस चल रहे हैं, हमारा नेक्स्ट बैच जो है वो 19 मई से स्टार्ट होने वाला है, जस्ट 2 दिन के बाद। तो और हमारा ऑनलाइन भी बैचेस चलते हैं, ऑफलाइन भी चलते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, इन्वेस्टमेंट के बारे में, स्टॉक का फंडामेंटल कैसे चेक किया जाए, या चार्ट्स को कैसे रीड किया जाए, तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे सर। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।